समकित ग्रुप द्वारा आयोजित हम चले पाठशाला का अद्भुत रेस्पॉन्स संपूर्ण भारत से अभी तक मिला है। अब तक 90,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हम चले पाठशाला में हुए हैं। सबकी खूब खूब अनुमोदना। अभी भी कई लोगों को इस योजना में कई डाउट्स है, जैसे कि अटेंडेंस और गाथा कैसे अपडेट करना है, क्या हम संघ की पाठशाला के साथ या अन्य योजना के साथ इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस तरह के सभी डाउट्स है और ये क्लियर करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। एक बात क्लियर कर देते हैं, फिलहाल रजिस्ट्रेशन बंद है और हम सभी डाउट्स को 8 पॉइंट्स में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इस योजना में बताया गया यूनिक आईडी का अर्थ क्या है। आपको अटेंडेंस बुक में ऊपर राइट में यूनिक आईडी सेक्शन मिलता है। अब जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनका पहला नाम और उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही यूनिक आईडी के रूप में सभी को दिया गया है। फर्स्ट नेम एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, फॉर एग्जाम्पल सागर शाह ने 9999999 इस नंबर के साथ रजिस्टर किया है तो उनका यूनिक आईडी होगा सागर 9999999। पॉइंट नंबर 2, गाथा और अटेंडेंस कैसे अपलोड करना है, इस विषय को समझने के लिए ये शॉर्ट वीडियो ध्यान से देखिए। forms.samkitgroup.com वेबसाइट पर जाकर लॉगिन क्लिक करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ लॉगिन करना है। अपलोड अटेंडेंस फॉर जून ऑप्शन क्लिक करना है। ऊपर अटेंडेंस काउंट और उसके नीचे गाथा काउंट अपडेट करना है, जैसे कि 14 दिन की अटेंडेंस और 16 गाथा। फिर चूज फाइल क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अटेंडेंस बुकलेट की जून महीने की शीट का फोटो लेकर अपलोड करना होगा। याद रहे, अपलोड करने से पहले राइट टॉप में दिख रहा यूनिक आईडी, ये लिखना जरूरी है, अनिवार्य है, इसे ना भूले। पेज के निचले भाग में पाठशाला टीचर की साइन एवं पाठशाला या संघ का स्टैंप होना अनिवार्य है। फोटो अटैच करने के बाद अपलोड जून मंथ डेटा क्लिक करना है। आपके द्वारा डाले गए आंकड़े और शीट के आंकड़े सेम होने चाहिए। अगर कोई डेटा गलती से गलत डाला हो तो आप इस तरह चेंज पर क्लिक करके सही डेटा डाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है लेकिन अटेंडेंस बुकलेट अभी तक नहीं मिली है, तो कब तक मिलेगी? आयोजकों की पूरी कोशिश है कि जल्द ही सभी को अटेंडेंस बुकलेट मिल जाए। आपको बहुत जल्द अटेंडेंस बुकलेट मिल जाएगी, इसलिए निश्चिंत रहिए। पॉइंट नंबर 4, जून और जुलाई महीने की अटेंडेंस कब तक सबमिट कर सकते हैं? आप जून और जुलाई की अटेंडेंस लास्ट 10th अगस्त तक सबमिट कर सकते हैं। सिर्फ जून महीने के लिए अटेंडेंस 10th अगस्त तक एक्सटेंड की गई है। उसके बाद हर महीने की अटेंडेंस अगले महीने की 10 तारीख तक ही अपलोड कर पाएंगे। सबसे जरूरी बात, अटेंडेंस बुकलेट नहीं मिली है तो आप बुक मिलने तक forms.samkitgroup.com में दिए गए टेम्पररी अटेंडेंस बुकलेट की लिंक पर जाकर PDF डाउनलोड करके प्रिंट लेकर भरकर इसी वेबसाइट में पॉइंट नंबर 2 में बताए गए वीडियो के अनुसार अटेंडेंस और गाथा सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें अटेंडेंस बुकलेट नहीं मिली है। जिन लोगों के पास बुक है वो लास्ट 10th अगस्त तक जून और जुलाई महीने की अटेंडेंस सबमिट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, महत्वपूर्ण कार्य, ये सभी को करना है क्योंकि अटेंडेंस बुकलेट्स डिस्पैच होने के बावजूद कई लोगों को नहीं मिल पाई है। इसीलिए आप सभी को forms.samkitgroup.com वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करने के बाद ये ऑप्शन देख पाएंगे, अटेंडेंस बुकलेट स्टेटस। अगर आपको अटेंडेंस बुकलेट मिल गई है तो आप यस क्लिक कर सकते हैं और नहीं मिली है तो नो क्लिक कर सकते हैं। इससे आयोजकों को पता चलेगा कि किन्हें अभी तक बुकलेट नहीं मिल पाई है। यह अनिवार्य है, अर्थात जिसने भी हम चले पाठशाला योजना में अपना नाम रजिस्टर किया है उन सभी को यह कंपलसरीली करना होगा। पॉइंट नंबर 6, इस योजना की अपडेट्स पाने के लिए क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, और अगर है तो उसमें कैसे जुड़ सकते हैं? जी हाँ, इस योजना की हर प्रक्रिया से अपडेटेड रहने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स की व्यवस्था की गई है। आपको forms.samkitgroup.com पर लॉगिन करना होगा और वहाँ दिए गए ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वहाँ आपको ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 7, गाथा कैसे काउंट की जाएगी और अटेंडेंस के रूल्स किस प्रकार है। अटेंडेंस बुकलेट के शुरुआती पेजेस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियरली दिए गए हैं। आप forms.samkitgroup.com वेबसाइट पर भी अटेंडेंस एंड गाथा रूल्स पर क्लिक करेंगे तो सब डिटेल्स मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 8, क्या हम हमारे संघ की पाठशाला में रहते हुए हम चले पाठशाला योजना में जुड़ सकते हैं? क्या 2-3 योजनाओं में एक साथ जुड़ सकते हैं? समकित ग्रुप द्वारा आयोजित हम चले पाठशाला योजना आपके संघ के अलावा एक अतिरिक्त यानी कि एडिशनल योजना के रूप में है, यानी कि संघ की पाठशाला में एक एड ऑन की तरह है। इसलिए आप अपनी संघ की पाठशाला में जुड़े रहते हुए इस योजना में भी जुड़े रह सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। क्वेरीज ओनली बाय व्हाट्सएप मैसेज। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में दुकड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।